बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं रियल इस्लाम टीवी। हम बात कर रहे हैं ईसाइत पे, क्रिश्चियनिटी पे। तो ये उसका अगला लेक्चर है। ये न्यू टेस्टामेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। इससे पहले हम ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में तफसीलन जिक्र कर रहे थे, अब न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट में एक पोर्शन है जिसको गॉस्पल कहते हैं। इसका तर्जमा इंजीलें भी किया जाता है, उनकी उर्दू जो बाइबल है, लेकिन असल इंजील नहीं है ये, जो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की थी। लेकिन बहरहाल हम गॉस्पल का जिक्र करेंगे। ईसाइत ने अबरानी बाइबल को अपना लिया है और इसमें चंद ज़मीमा जात का इजाफा किया, एनेक्सिस। लेकिन उसने तमाम इन तहरीरों या जो शाया हो चुकी हैं, इनको तस्लीम नहीं किया, जिनका मकसद ही इंसानों को ईसा अलैहिस्सलाम के मिशन से आगाह करना था। इसलिए कलीसा ने इन किताबों की अशात में चेंजेस कर दी, कथा ब्रीद काट छाट कर दी, जिनमें ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और तालीमात का जिक्र है। इसने अहदनामा जदीद में सिर्फ एक महदूद तादाद में तहरीरों को महफूज रखा, जिसमें वो चार अंजीलें, अनाजील या गॉस्पल हैं, और जिनको इन्होंने शरी हसीयत दे दी। ईसाइत किसी ऐसी वही को तस्लीम नहीं करती जो ईसा और आपके हवारियों के बाद नाजिल हुई, यानी वो कुरान को मुस्तरद करते हैं। मसीह अल्हाम मतद इंसानी बयानात, जिस तरह मैंने पहले कहा, सुनी सुनाई बातों पर मुश्तमिल है। हकीकत में बहुत से ईसाइयों के ख्याल के बरअक्स हमारे पास ईसा की ज़िंदगी के वाक़यात का कोई आनिशान नहीं, कोई आई विटनेस नहीं जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहा हो। ईसाइयों की अक्सरियत इस बात को मानती है कि अनाजील बराह रास्त उन लोगों ने लिखी जो ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के अनिशा थे, इसलिए वो उनकी ज़िंदगी और तालीमात के अहम वाक़यात के मुतल्लक नाकाबिल तरदीद शहादत पर मुश्तमिल है। लेकिन तहकीक से पता चलता है कि दर हकीकत एक मुसन्नफ़ भी अनिशाद नहीं था। चार इनकी अनाजील हैं या गॉस्पल हैं, चार मुसन्नफ़ हैं। दूसरी सदी के वस्त में सेंट जस्टिन ने गॉस्पल को हवारियों के तस्करे कहा था। एक ही वाक्य का जिक्र मुख्तलिफ अंजीलों में मुख्तलिफ तरह बयान हुआ है। यह बहुत बड़ा तजाद है। पहली बात यह कि चार किताबें लिखने की जरूरत क्यों हुई, उनको एक क्यों नहीं कह दिया गया आसानी के लिए, और उनमें भी कंट्रडिक्शन है, उनमें भी बहुत ज्यादा कंट्रडिक्शन को क्या कहते हैं उर्दू में, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। चार मुसन्नफों के नाम से ये अंजीलें पहचानी जाती हैं। नंबर वन मैथ्यू, उर्दू में इसको कहते हैं मती की अंजील। नंबर टू मार्क की अंजील, मार्क गॉस्पल या मरकस की अंजील। नंबर तीन ल्यूक गॉस्पल या लोका की अंजील। नंबर चार जॉन्स या योहन्ना की अंजील। मैथ्यू जो थे एक मशहूर किरदार थे जो चुंगी के नाके पर महसूल वसूल किया करते थे। मार्क जो थे वो पितरस के रफीकेकार थे। ल्यूक एक हरदिल अजीज शख्सियत थे। यूहन्ना वो हवारी हैं जो हमेशा यीशु मसीह के करीब रहे। वो माहीगीर जबैदी के लड़के थे। ताज़ा तहकीकात के मुताबिक इन अंजीलों में जो वाक़यात पेश हुए हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, कोई मुताबकत नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर इन जिलों का बगौर मुतालिया करें तो ईसाइयों को अनतहाई परेशानी में मुबतला कर दें, क्योंकि देखने में आया है कि अमूमन चर्चिज़ में ईसाई हजरात को पादरी लोग सिर्फ मुंतखब हिस्से ही पढ़ाते हैं, और ये मैं इसका विटनेस भी हूँ। ईसाइयों के तमाम फ़िरकों में प्रोटेस्टेंट वो फ़िरका है जो अंजील का मुनासब मुतालिया करते हैं, वरना बाकी ईसाई इक्तबासात से काम चलाते हैं। अगर किसी ईसाई के जहन में कोई इंतशार नज़र आता है तो पादरी अंतहाई महारत से उस पर काबू पा लेते हैं और ऐसी तशरीह करते हैं कि वो चुप हो जाता है।
अक्सर ऐसी बात जो मफरूजा होती है, मिथ होती है, उसको इस तरह पेश किया जाता है कि वो यकीन की सूरत अख्तियार कर लेती है। यानी जो मुद्दत ईसा के हवारियों के इख्तिताम और सहीफों के मंजरेआम पर आने के माबैन होती है, उसको खूबसूरती से मुख्तसर कर दिया जाता है, ताकि ईसाई सुनने वाला बात की तह तक ना पहुंचे। अंजीलें जो बाद में शरी हैसियत अख्तियार कर गईं, काफी अर्से तक मंजरेआम पर नहीं आई थी, हालांकि वो दूसरी सदी ईस्वी के शुरू में लिखनी शुरू हो चुकी थी। दूसरी सदी के वस्त तक, यानी 140 ईस्वी तक के बाद तक के मंजरेआम पर नहीं आई थी, ये हकीकत। और जो हालिया तहकीकात है उसका हम जिक्र करते हैं, जो आजकल हैं। हालिया तहकीकात में कार्डियल वेनिलो ने 1967 में उस पर तबसरा किया। कार्डिनल वेनिलो ने 1967 में इस पर तबसरा किया है, मसीह की दुनिया से जाने के बाद हवारियों की मुख्तसर जमात ने यहूदियों का एक ऐसा जत्था बनाया जो यहूदी इबादत के तरीके पर कायम रहा, जो यहूदी मोहब्बत में जारी थे। यानी ये वो यहूदी थे जो ईसाइत में दाखिल हुए और ईसाई यहूदी कहलाए। यानी ये बात अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि ईसा अलैहिस्सलाम के वक़्त यहूदी भी थे और आपके बाद यहूदी ईसाई भी हुए, फिर उसके बाद ईसाई हुए। यानी एक मिक्सचर सा था कि जो कि पुराने स्क्रिप्चर पे भी चल रहा था, न्यू स्क्रिप्चर को भी उसने ले लिया। तो उनको कहते थे यहूदी ईसाई, ये बहुत ज़्यादा तादाद में थे और मेरे ख्याल अब भी शायद होंगे। सेंट पॉल वो वाद शख्स था जिसने इस यहूदी ईसाइयत की मुखालफत की। 70 ईस्वी में कलीसा में यहूदी ईसाइयों की अक्सरियत थी, जैसा मैं पहले कह रहा था। इस जमाने में ईसाई फिरके के सरबराह जेम्स थे, जो एक रवायत के मुताबिक मसीह अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार थे। पितरस और यूहन्ना भी शुरू में उनके साथ रहे। जेम्स को यहूदी ईसाइत का नुमाइंदा समझा जा सकता है। यहूदियों के हदूद सल्तनत में गैर मुतबिर करार दिए जाने के बाद ईसाई खुद को उनसे अलग कर लिया। ईसाइयों ने ईसाइत का बानी सेंट पॉल था, जिसको मरने के बाद कामयाबी मिली। जब वो जिंदा था तो उस वक्त उसको इतनी कामयाबी नहीं मिली, जब मर गया तो फिर उसका एकदम उसको कामयाबी शोहरत मिली। ईसाइत ने खुद को सियासी और इमरानी एतबार से यहूदियत से अलग कर लिया। 70 ईस्वी से लेकर 110 ईस्वी तक की मुद्दत में मरकस, मती, लोका और यूहन्ना की अंजीलें वजूद में आ गईं। इनमें इब्तदाई दौर की ईस्वी तहरीरी दस्तावेज शामिल नहीं है, यानी बर्नबर्स की अंजील, जो कि काफ़ी हद तक कुरान से मुताबिकत रखती है। लेकिन इन ईसाइयों ने, कलीसा ने, पादरी, बड़े पादरी ने उसको डिलीट कर दी। अच्छा, ये एक चलें बाद में बात करते हैं। यानी ईसाइत का बानी पॉल था, सेंट पॉल, जिसने ईसाइत की ताली जिसने सॉरी ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के बिल्कुल उल्ट ईसाइत को जन्म दिया। वो मसीह अलैहिस्सलाम से उनकी हयात में वाकिफ तक न था। यानी अगर पाल ना होता सेंट पाल, तो ईसाइत का क्या होता? पाल ही ने सरकारी स्क्रिप्चर्स के मजमूए मरतब किए, सरकारी सहीफे बनाए, और यही सहीफे अंजीलों की इस मुसलमा शक्ल पर मुश्तमिल हैं। और कलीसा ने किसी भी ऐसी तहरीरों को जो उनके मुताबिक नहीं, मुस्तनद अकीदे के खिलाफ करार देकर रद्द और खारिज कर दिया। यानी पाल की तहरीरें रेफरेंस और स्टैंडर्ड करार पाईं, जिससे बाकी तमाम सहीफे अंजीलों का म्यार चेक किया जाता है, स्टैंडर्ड करार दे दिया। अच्छा, इन अंजीलों का माखज कहाँ से आया, ओरिजिन सोर्स कौन था? कलीसा को कायम करने वालों के ज़माने में माखजों के मसला तक रसाई सादा अंदाज में हुई। ईसाइत की इब्तदाई सदियों में वहद मैथ्यू की अंजील थी, गॉस्पल, बाद में मरकस,
ल्यूक आई की अंजीलें आईं और यूहन्ना का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। बकौल सेंट अगस्टिन, मार्क मैथ्यू से इतने मुतासर थे कि उन्होंने मार्क्स मैथ्यू की किताब की पैरवी की और ल्यूक ने इन दोनों से मवाद हासिल किया। सो मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, इनकी हम तीनों अंजीलों की मुश्तरका आयात देखें तो वो 330 हैं जो कि तीनों अंजीलों में हैं एक जैसी। मैथ्यू और मार्क की जो मुश्तरका आयात हमें मिलती हैं वो 178 हैं, 178। जो मार्क और ल्यूक की मुश्तरका आयात हैं वो 100 के करीब हैं। मैथ्यू और ल्यूक की जो मुश्तरका आयात हैं वो 230 के करीब हैं, 230। इब्तदाई दौर के ईसाई मुसन्नफीन के ज़माने से लेकर 18वीं सदी तक 1500 साल की मुद्दत में अंजीलों के मुआखज़ों में यानी सोर्सेज के बारे में कोई तहकीक नहीं हुई और लोग अंधाधुंध रवायत की तकलीद करते रहे। ईसाई मुफस्सरीन की कसीर तादाद ने बाइबल के बयानात में होने वाली गलतियों, नामुमकिन बातों और तजादात के लिए ये उज़र पेश किया कि बाइबल लिखने वालों का दरअसल ये मुख्तलिफ अपना अपना अदबी अंदाज है। हालांकि फाश गलतियों और तजाद को अदबी रंग में नहीं लिया जा सकता, इसलिए ये दलील बिल्कुल कबूल नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें कोई वजन ही नहीं है। इब्तदाई 5 सदियों के ईसाई मुसन्नफीन के ज़माने में तनकीद के मसाइल खड़े हुए। मसलन सेंट अगस्टिन कहते हैं, सिर्फ इन सहीफ़ों के बारे में जिनको मुस्तनद कहा गया है ये अकीदा रखने की तलीम दी गई कि इनके लिखने वालों ने उनको लिखते वक्त किसी गलती का इर्तकाब नहीं किया। जब मैं इन किताबों में भी एक ऐसे बयान से दोचार होता हूँ जो हकीकत की तरदीद करता मालूम होता है तो मुझे समझ आती है कि ये तो या तो मेरी किताब के नुस्खे का मतन सही नहीं है यानी नाकस है, या मुतरजम ने असल मतन का सही तर्जमा नहीं किया, और या फिर मेरी अकलो फहम का कसूर है क्योंकि ये मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं कि किसी अलहामी और मुकद्दस मतन में कोई गलती का अहतमाम हो। ये जो सेंट अगस्टिन थे ये बड़े मशहूर इनके बानियों में पादरियों में से थे, पोप टाइप ये शख्सियत थे, तो इन्होंने काफ़ी क्रिटिकल तरीके से एनालिसिस किया ये उद्दीन में। उसके बाद ओलोरियंस की किताब 1972 में जो शाया हुई उसकी किताब का नाम था व्हाट इज़ द ट्रुथ ऑफ बाइबल, कि बाइबल की सदाकत क्या है, तो ओलोरियंस ने उस पर काफ़ी तहकीक की। वो बेइत्मीनानी जो ईसाई हलकों में वही के बारे में पाई जाती है दूसरी वेटिकन काउंसिल 1965 में वाकया हो गई थी जहां बाइबल के 5 मसवदे पेश हुए और 3 साल की बहस मुबासा के बाद मौजूदा मतन पर इत्तेफाक हुआ। तो अब आइए देखते हैं कि अहदनामा जदीद या अंजीलों में मौजूद डिफरेंस डिस्क्रिपेंसी क्या है, फर्क क्या है। ना मैथ्यू ने और ना जॉन ने ईसा के उठाए जाने का जिक्र किया है, जिंदा, रेजरेक्शन। ल्यूक ने अपनी अंजील में इसका तायन रोजे हशर के लिए किया है और रसूलों के एमाल नामी किताब में जिसका उन्हें मुसन्नफ कहा जाता है उसको 60 दिन बाद का वाकया करार दिया। मार्क तारीख का तायन किए बगैर एक ऐसे अंजाम है जिसका तस्करा करता है जो आज अनसर्टिफाइड गैर मुस्तरिद समझा जाता है। लिहाजा रफ़ा मसीह अलैहिस्सलाम के जिंदा उठाए जाने की अलहामी एतबार से कोई ठोस बुनियाद बाइबल में नहीं है, न्यू टेस्टामेंट में। दूसरे अल्फाज में लोका की अंजील, ल्यूक की अंजील और रसूलों के एमाल में तजाद है। फादर कैनन जी जो पेरिस के कैथोलिक अदारे के सरबराह हैं कहते हैं कि जब तक ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के ताल्लुक है अंजील लिखने वालों में कोई भी उस वाक्य का निशान नहीं,
सिर्फ एक शख्स यहूदा अस्कृति ऐसा हवारी था जो शुरू से आखिर तक ईसा सलाम के साथ रहा। अंजीलें बहुत पहले एक मुकम्मल मजमुआ की शक्ल में नहीं थी। बाइबल का आलमी तर्जमा 170 ईस्वी में हुआ, जब चारों अंजीलों ने शरीयत का दर्जा हासिल कर लिया, जबकि 30-40 अंजीलें महज जबानी रवायत की शक्ल में मौजूद थी। फादर बसमा, जो यरूशलेम के बाइबल स्कूल के प्रोफेसर हैं, उन्होंने 1973 में किताब अनाजील का खाका में लिखा है, यसू के बाज अकवाल और उनकी पेशगोइयां इस अंदाज से बयान नहीं की गई जिस अंदाज से हम आज उनको पढ़ते हैं, बल्कि उन लोगों के हाथों बदल गई हैं जिन्होंने उनको हम तक मुंतकिल किया। और ये एक शर्मनाक वाक्या है। इन अंजीलों से पहले पॉल के सेंट पॉल के खतूत लिखे जा चुके थे, यानी उनका वजूद इंजीलों के वजूद में आने से पहले का है। कलीसा ने ईसाइत के इब्तदाई अयाम के यीशु मसीह के हालात के सिलसिले में बहुत सी तहरीरें छुपा देने का हुक्म दिया, जिनमें एक अंजील बरनाबास का जिक्र भी है जो हम जिक्र करेंगे। ये उन्होंने बिल्कुल छुपा दी क्योंकि ये कुरान के बहुत करीब है। यानी इन अंजीलों के अलावा और पहले कुछ तहरीरें मौजूद थीं, मसलन नज़ारत की अंजीलें, थॉमस की अंजील, बरनाबास की अंजील, लेकिन बदकिस्मती से दूसरी तहरीरें नहायत दरिंदगी से निकाल दी गईं और उनके सिर्फ टुकड़े बाकी रह गए। उनको गलती के नाम करार दे दिया गया और अकीदतमंदों की नज़र से, यानी ईसाई मौत की दीन से छुपा दिया गया। सिर्फ चार को बाकी रखा गया और सरकारी तौर पर शरीयत दे दी गई। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम बता सकते हैं कि उसमें डिस्क्रिपेंसी या एक कंट्रोवर्सी या कंट्रडिक्शन हैं। तो ये ईसाइत के स्क्रिप्चर के बाइबल का एक एनालिसिस था। देखते रहिए मेरा चैनल रियल इस्लाम टीवी।